जय हिंद साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ PMSSV योजना ये क्या है, इसके अंतर्गत किन किन छात्रों को लाभ मिलने वाला है। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं किन किन को छात्रों को लाभ मिलने वाला है, इसके अंतर्गत कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए एलिजिबिलिटी, पहले क्या है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है, तो क्लास 9th और क्लास 11th दो स्टूडेंट भर सकते हैं। तो क्लास 9th के स्टूडेंट और क्लास 11th के स्टूडेंट ये भर सकते हैं, और ये भरने का इनका मौका किस स्कूल से मिलेगा, तो देखिए यदि आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं या तो मान्यता प्राप्त कोई स्कूल से हैं, उन्हीं स्टूडेंट को ये लाभ मिलने वाला है। तो देखिए इसके बाद स्कॉलरशिप अमाउंट रेंजिंग क्या है, इसका अमाउंट कितने मिलने वाला है, तो देखिए क्लास 9th का स्टूडेंट होगा उसे 75,000 रुपये मिलेगा, और जो क्लास 11th का स्टूडेंट होगा 1,25,000 रुपये मिलेगा पर ईयर यदि ये पेपर क्वालिफाई कर लेता है। तो देखिए अगली बात देखते हैं, कैटेगरी किन किन कैटेगरी को ये लाभ मिलने वाला है। तो देखिए जो OBC का स्टूडेंट है, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसको मिलेगा। अन्य पिछड़े वर्ग की देखिए जो पारिवारिक आय होती है वो 2.5 लाख रुपए से एक सालाना से कम होनी चाहिए। ठीक है, 2.5 लाख रुपए है तो चल जाएगा, इससे अधिक है तो फिर नहीं चलने वाला। इसके बाद EBC आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, और DNT विमुक्त जनजाति, ये सब लोग इसके एलिजिबल हैं। और इसके बाद बात करते हैं पेपर क्राइटेरिया की, तो पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। और समय क्या रहेगा, समय 2 घंटे रहेगा, 150 मिनट, पेपर ऑफलाइन मोड पर होगा, आपको पेन लेकर के जाना पड़ेगा और गोला भरने वाला आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिलेबस कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो देखिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान। तो देखो गणित में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित के 30 क्वेश्चन होंगे, और ये कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का, और टोटल मार्क्स कितने, 120 मार्क्स के गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए विज्ञान है, विज्ञान के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन होगा, और 80 टोटल मार्क्स का पूछा जाएगा विज्ञान से क्वेश्चन। उसके बाद सामाजिक विज्ञान है, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 4 मार्क्स का, तो 100 नंबर का हो जाएगा टोटल। उसके बाद सामान्य ज्ञान है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, मार्क्स कितने मिलेंगे, 4 मार्क्स और 100 नंबर के, ये भी हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितने, 400 के होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद यदि आपको सिलेबस बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए, पूरा मैथ का, साइंस का, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, यदि आप लोग मुझे कमेंट पर बताएंगे तो मैं पूरी जानकारी इसको दूंगा एक एक डिटेल में, और आपकी तैयारी भी करवा दूंगा यूट्यूब के सहारे से। ठीक है, इसके बाद देखिए एप्लीकेशन बिगेन कब, ये स्टार्ट कब हुई है, तो देखिए 11/7/2023 को स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट क्या है, 10/8/2023 को लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। और एग्जाम डेट इसकी क्या है, 29 सितंबर को इसकी एग्जाम डेट है। एज लिमिट क्या रहने वाली है, जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं वो 1/4/2007 से 31/3/2011 के बीच में होने चाहिए, और जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं उनकी एज लिमिट 1/4/2005 से 31/3/2009 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, ये लाभ कितने छात्रों को मिलने वाला है, ये लाभ सिर्फ 15,000 स्टूडेंट को मिलने वाला है। यदि आपको लगता है कि आप 15,000 स्टूडेंट में आ रहे हैं, और आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, अच्छी तैयारी है आपकी, और जो आप 9th में जो पढ़ा है, तो 9th वालों को कक्षा 8 का सिलेबस पूछा जाएगा, जो कक्षा 11 में है उनको 10 का सिलेबस पूछा जाएगा, पूरा NCERT बेस पर होगा। यदि आप लोग मुझे कमेंट पर बताएंगे तो मैं आपको जरूर से जरूर पूरा PDF दूंगा। ठीक है।